हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकुंज और आप सभी दर्शकों का नागपुर इन्फो मैच फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, मेरे साथ हर साल मौजूद होते हैं सेलिब्रिटीज़, तो ठीक इसी इस बार मेरे साथ में मौजूद है विद्या जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं नागपुर इन्फो में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नागपुर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ठंड है, मुंबई काफ़ी गर्म है अभी भी, सो नागपुर आके बहुत अच्छा लगा है। थोड़ी सी ठंड है, अच्छी धूप है, यहाँ का क्राउड और एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक है, तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पे आए हो, सिलेक्शन प्रोसेस जो भी स्पोर्ट्स का चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म है और जो हमारे देश के यंग बच्चों के लिए मिल रहा है 16 साल से लेकर 30 तक। यू नो, यहाँ के सिलेक्शंस हो रहे हैं, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, बॉलर्स, क्रिकेट, आई मीन बैट्समैन, विकेट कीपिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यही से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे जाने के लिए। तो आपका स्पोर्ट्स के साथ कैसा नाता रहा है? आपको पता होगा मैंने एक स्पोर्ट्स फिल्म करी थी, एग्जैक्टली, पर मेरा नाता उससे भी पहले से है। आई मीन सब लोग इंडिया में वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग क्रिकेट, पर मुझे टेनिस का भी बहुत शौक था। स्विमिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो यू विल नो हाउ व्हाट अ फिटनेस फ्रीक आई एम। मैं आई एम अ योगा टीचर, सो आई टीच योगा, आई होपफुली इंस्पायर पीपल टू टेक अप योगा। और आई थिंक जो भी है, मुझे लगता है कि हेल्थ के बिना हेल्थ इज देयर इज नो अदर वेल्थ लाइक हेल्थ। व्हेन दे से हेल्थ इज वेल्थ, दे मीन इट। समबडी रियली इंटेलिजेंट हैज कम आउट विद दैट, एंड आई बिलीव इन दैट कंप्लीटली। तो इट्स नॉट अबाउट सिक्स पैक बॉडी एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट बीइंग फिट। तो आपने चक दे इंडिया में शाहरुख खान के साथ, महान सेलिब्रिटी के साथ काम किया, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ वर्क करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शाहरुख इज रियली लवली, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल भी रखा। कभी अपना शाहरुख खान हूँ मैं, दैट वॉज नेवर देयर, इट वॉज ऑलवेज ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। अगर कोई सीन में किसी को कुछ इशू है, कुछ है, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। इनफैक्ट विदाउट अस आस्किंग ऑल्सो ही इज़ टू कम टू अस एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू अस। यू नो, लॉट ऑफ पीपल वर वेरी न्यू, पता नहीं था लाइटिंग कैसे, क्या किसका लाइट कहाँ से आता है एंड ऑल दैट। सो वो हमें खड़ा करते थे, जो स्टैंड हियर, ये आपका लाइट है, या यू नो फेस दिखना चाहिए ना कैमरा में। सो ही वॉज वेरी वेरी फॉरथकमिंग एंड वेरी 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 काइंड एंड वेरी नाइस। जाते जाते नागपुर इन्फो के दर्शकों से आपका क्या कहना? मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। कीप वॉचिंग ट्रू स्पोर्ट्स, और मुझे लगता है आप एवरीबडी इन दिस कंट्री, एवरी यूथ इन दिस कंट्री नीड्स टू स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट। मैं हमेशा से कहती हूँ कि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन इज फैंटास्टिक, नॉट जस्ट यू नो टू प्ले फॉर योर कंट्री एंड एवरीथिंग, बट जस्ट फॉर योर सेल्फ डिवेलपमेंट। तो हर एक माँ बाप से ये गुजारिश है कि जाके अपने बच्चों को कुछ ना कुछ किसी न किसी स्पोर्ट्स में डेफिनेटली इन्वॉल्व करिए, एंड दैट्स दैट। एंड यू नो, यू गाइस हैव अ ग्रेट लाइफ, लाइक आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर इन नागपुर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन नागपुर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल। और यहाँ के मुझे ऑरेंजेस खाने हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, पिक सम ऑरेंजेस एंड गो बैक होम। ओके मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, नए सवालों के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग नागपुर इन्फो। लव ग्रीन, लिव ग्रीन, थिंक ग्रीन। थैंक यू।